सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सभी? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गांव के कुसुम में। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस आज का ब्लॉग मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर दिया है चाय से, और सर्दियों में चाय तो सभी के घर पर बनती होगी सुबह सुबह। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली है। बस अब मैं जा रही हूँ सबको चाय देने। फिर सबने चाय पी ली थी, मैंने जल्दी से आलू को कट किया और मैंने यहाँ पर टमाटर आलू की सब्ज़ी को तो छोंक दिया है। हमारे यहाँ पर सब्ज़ी को छोंकना ही बोलते हैं, सभी के यहाँ पर वही बोलते होंगे। तो बस फिर उसके बाद अब मैं जल्दी से यहाँ पर आटा को गूंथ ले रही हूँ और आज टमाटर आलू सब्जी बनने वाली है। तो मेरी छोटी बहन तब तक मुझे धनिया भी ला कर देती है कि दीदी आप एक काम करो, उसमें धनिया कट करके ऊपर से डाल देना। धनिया हमारे घर में ही लगे होते हैं, घर में भी हैं, बाहर भी हैं, हर जगह धनिया ही धनिया है। बस है ना, ज़्यादातर आप अगर सब्ज़ी घर में कर लो ना तो सही रहता है, मार्केट से इतनी सब्जी आ नहीं पाती है इसीलिए। तो बस फिर उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई मठा फेरने में। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मठा भी फेर लेते हैं, ये काम भी तो फिनिश करना है। और आपको पता ही है कि मठा और ये जितना भी काम हो ना, लड़कियां क्या मतलब मेरे ऐसी लड़कियां हो या औरतें हो जो भी हो, उन सबकी यही आदत होती है कि जल्दी जल्दी से ये काम कर लें, वो काम कर लें, कोई भी काम ना मतलब रह नहीं जाना चाहिए। तो बस वो सभी काम करना चाहती हैं जल्दी जल्दी से। तो बस और आज मेरे घर पर जो मेरी डॉली थी बकरी, जैसे मैंने आपको बताया था ना, उसकी 2-3 महीने पहले थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस उसी का बेबी भी आ चुका है। तो कॉमेंट आया था लवीना दी का कि दी आप उसे ज़रूर दिखाना। तो बस आज हमारे घर पर नन्ना सा मेहमान आ गया है, मेरे घर आया एक नन्ना परास। तो ना वो वाली कहावत कहने का मन कर रहा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, उस परे से मिलवाऊंगी, कितना क्यूट है, मैं आपको क्या बताऊं। तो चलो सबसे पहले तो सब्जी बनकर हमारी हो चुकी है रेडी। पर सब्जी में लास्ट में धनिया डाल दे रहे हैं और यहाँ पर आग जल रही है, आग में मैंने तवा रख दिया। आपको बताऊँ आग के पास से तो आजकल ना हटने का मन ही नहीं करता, इतनी सर्दी पड़ रही है हमारे यहाँ पर, हमारे का सभी के यहाँ पर सर्दी तो पड़ती है। तो बस उसके बाद ये देखो मैंने मठा को फेर लिया है, इसमें मक्खन आ गया है। बस अब मैं जल्दी जल्दी से मक्खन को निकाल ले रही हूँ। और वैसे तो 2 डिब्बे रखे हुए थे, फिर मैंने कहा एक काम करते, एक डब्बा पहले मतलब मठा को फेर लेते हैं, एक डब्बा बाद में फेर लेंगे। तो ये देखो ये आ चुका है मक्खन, ये देखो। तो उसके बाद मक्खन आ गया था, ये देखो मैंने मक्खन को निकाल के रख दिया है। मुझे ना एक वो वाला वीडियो बहुत अच्छा लगता है कि वो बहू होती है, बहू मठा फेरती है, वो मठा फेरते हुए कहती है सासू माँ सासू माँ मक्खन आ गए। तो सासू माँ कहती है नहीं बेटा ऐसे ससुर जी का नाम नहीं लेते हैं, ससुर जी का नाम है मक्खन। तो फिर उसका एक दिन उसके घर में रिश्तेदार आते हैं, तो वो कहती है सासू माँ कि बेटा जाओ जल्दी से अंदर से मक्खन लेकर आओ। वो कहती है सासू माँ ससुर जी तो ख़त्म हो गए। वो वाली कहावत आपने सुनी है ना, वो वाला वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो वाला वीडियो काफ़ी अच्छा था, वैसे ट्रेंड चल रहा था तब, उस वक्त मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था अभी भी। तो ये देखो मैंने बताया था नन्ना सा मेहमान, ये देखो ये ना हम लोगों के पास ऐसे ही खेलता रहता है। तो बस फिर उसके बाद मेरी सारी रोटी लगभग बन के हो चुकी है तैयार। बस अब मैंने यहाँ पर रख दिया है गर्म पानी होने के लिए, गर्म पानी पीना सही रहता है सेहत के लिए। तो बस यहाँ पर गर्म पानी होता है, मैं जल्दी से चूल्हा चौका समेट लेती हूँ। फिर उसके बाद 11 बजे के टाइम हमारे घर पर ये छोटा सा नन्ना सा बेबी आ गया था, इसको हम ना गर्म पानी से नहला दे रहे हैं। ये देखो आज ना घाम भी निकली थी इसीलिए, तो इसको ना बहुत ज़्यादा छींक आ रही है, फिर ये ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी इसको। फिर हमने फटाक से आग जलाई तसला में, और मैंने कहा मम्मी ने कहा इसको एक काम करो तपा देते हैं। ये देखो मम्मी भी बैठी हुई है, और ये देखो इसको ना इतनी भूख लगी हुई थी, ये देखो ये ना बहुत ही ज़्यादा शैतान है, ये देखो इतना छोटा सा है, मुझे ना इतना क्यूट लगता है, मैं आपको क्या बताऊँगी। ये देखो हमने ना इसका नाम भी रख लिया है चीकू, आप लोग कमेंट करके बताना आपको इसका नाम कैसा लगा। ये देखो ये इसकी मम्मी है डॉली, ये देखो ये इसको बहुत प्यार करती है, हमें भी ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा, दिन भर इससे खेलते रहते हैं, इससे ना मन ही नहीं भरता दूर जाने का। ये देखो कितना प्यारा है ना, आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये कैसा लगा। तो बस फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखो फिर उसके बाद ये मेरी छोटी बहन है, ये यहाँ पर चारा कूट रही है और ये कुछ बातें भी करती है। इसने कहा दीदी आप एक काम करना, वैसे तो आपने देखा होगा ये वीडियो में बहुत कम ही आती, पर इसने कहा दीदी आप एक काम करना आज ना रिकॉर्ड कर लेना, मुझे भी ब्लॉग में दिखाना, मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस यहाँ पर ये देखो मैं घास लगाती जा रही हूँ और मेरी ये छोटी बहन है वो यहाँ पर कूटती जा रही हूँ। आपको पीछे बैकग्राउंड में शोर भी सुनाई दे रहा होगा, जो मेरी छोटी बहन है वो ना बच्चे को खिलाती रहती है इसीलिए। ये देखो इसके आते ही इसकी मेरी छोटी बहन ने इसकी देखो जैकेट भी तैयार कर दी है, देखो कितना क्यूट लग रहा है ना, बहुत ही क्यूट है, किसी की नज़र न लग जाए मेरे चीकू को। तो बस फिर उसके बाद और काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनकी सोच पता क्या होती कि बकरी के बच्चे को क्या पालना, मुझे तो इनसे बहुत ही ज़्यादा वो लगता है, पर हमारी ऐसी नहीं है। वैसे काफ़ी लोग कहते हैं अरे आप तो बकरी के बच्चे को खिलाते हो, अरे आप तो बकरी के बच्चे को पालते हो। तो आप एक बात बताओ, आप जो कुत्ता होता है आप उसके बच्चों को पालते हो, बिल्ली के बच्चों को पालते हो, तो फिर बकरी के बच्चे को क्या पालने में कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या?
तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर मुझे ना किसी की सोच से ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब तो ये चार मुंह तो चार बात है, जैसा जिसका मन तो वैसी उसकी सोच, तो फिर हम किसी की सोच को बदल थोड़ी ना सकते। तो ये देखो मेरी छोटी बहन है, ये देखो यहाँ पर इसको खिला रही है, देखो आग से तपा रही है इस छोटू से बेबी को, अभी नया नया आया है ना इसीलिए। तो फिर उसके बाद हमारी ये छोटी बहन है, ये देखो कैसे घुमा रही है उसको, उसने ना पूरा उसको घुमा के रख दिया। चिल्लाया उसके बाद हम गए थे, हम और मेरी छोटी बहन और मम्मी फिर से खेत पर करते। तो फिर मैंने कहा चलो मम्मी आज एक काम करते हैं, आज जो सरसों है बरसी में उसको काट कर लेकर आते हैं। तो बस ये देखो वहीं पर मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, आप सोच रही हो उस दिन का ब्लॉग नहीं है, बस ये मैं गई थी। तो फिर हम लोगों से चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं, डेली डेली खेत पर जाना आप सभी को भी अच्छा लगेगा। पर मुझसे ना ये बिल्कुल भी कटने में आ नहीं रहा था, मुझे ये सब काम आते नहीं है। तो जिसको ये काम आए ना तो बस उसको तो अजीब ही लगता है ना, वो कहते हैं नाच ना आए और आंगन टेढ़ा बताए सो हार है मेरा। तो बस फिर उसके बाद ये देखो आलू और ये खेत का नज़ारा तो आपको पता है कितना अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हम लौट कर आ रहे, तो मैंने कहा चलो यहाँ का भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं। बस जैसे ही मैंने यहाँ का रिकॉर्ड किया, फिर मैंने अंदर आकर देखा कि मेरी ये छोटी बहन है, ये देखो यहाँ पर ये पता नहीं क्या बक्से में, शायद मेरी बहन जो स्कूल जाती है उसके पास वो कोट था, वो कोट ढूंढ रही थी शायद उसको बक्से में से। उसको ना डेली स्कूल जाने के लिए एक नया कपड़ा चाहिए, दीदी आज ये अच्छा नहीं लगता, दीदी आज वो, इसको ना पता नहीं। और ये ना इसकी जो कॉलेज की मतलब क्लासमेट्स है ना, ये अगर एक बार इससे पता क्या कहते हैं कि लक्ष्मी, इसका नाम लक्ष्मी है, कि लक्ष्मी आप ना ये बार दुपट्टा से मत डाल के आया करो, आप दूसरा वाला दुपट्टा डाल के आया करो। तो इसकी इतनी गंदी आदत है मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये ना बस उन्हीं के कहने पर चलती है कि दीदी ये वाला दुपट्टा अच्छा नहीं है, दीदी आप एक काम करो आप अपना वाला दुपट्टा दे दो। तो बस ये ना ऐसी है छोटी बहन, तो हमेशा ऐसी होती है, बस दूसरों की बातों में आ जाती है। मुझे नहीं अच्छा लगता किसी और के कहने पर चलना, कि कोई कह दे ऐसा सही है तो ऐसा, कोई कह दे आम को सेब है तो हाँ ये सेब ही है, कोई कह दिन को रात तो रात ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप जब खुद अपने मतलब डिसीजन लेने के लायक हो तो आप खुद अपने से देखो ना, आपके क्लासमेट से क्या, तभी तो ऐसे लोग भड़काते हैं आपको। तो बस फिर उसके बाद ये मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से लगा दे रही हूँ झाड़ू। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, अब शाम के टाइम हो गया तो फटाक से झाड़ू भी लगा देते हैं। तो बस शाम का ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बज रहे होंगे, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं और दिखाते हैं आप सभी को। और फिर उसके बाद मुझे करनी है बरामदा में लिपाई, कोई त्यौहार आने वाला है शायद मकर संक्रांति, तो इसके लिए इसके बाद वाला ब्लॉग आप सभी को लिपाई का देखने को मिलेगा। तो चलो मैंने कहा लिपाई जल्दी से कर लेते हैं। और वैसे ना लिपाई क्या, बरामदा में भी लिपाई करनी है, आंगन में भी लिपाई करनी है, चूल्हा चौका भी लिपाई करनी है, ढेर सारी लिपाई है। और लिपाई करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता, इतनी सर्दी होती है, लिपाई करने बैठे तो हाथ जो होते हैं इतने ठंडे पड़ जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो बस इसीलिए, पर लिपाई जब धूप निकले ना तो मन करता है लिपाई करने का, फिर भी धूप में तो है नहीं बरामदा, बरामदा तो छाँव में है, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है लिपाई करने में। तो देखते हैं आप लोग, आपका आप लोग कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। हमारे यहाँ पर तो इतना कुछ स्पेशल होता नहीं है, बस शायद खाना बनता है, खीर पूड़ी कचौड़ी और खिचड़ी बनती है, हाँ सुबह सुबह ये सब होता है बस। और पतंग भी उड़ाई जाती, पर हमारे यहाँ पर पतंग कोई नहीं उड़ाता है, बस उड़ाते हैं सिटी में सभी लोग उड़ाते हैं, पर हम लोग नहीं उड़ाते, काफ़ी दिन हो गए तो नहीं उड़ाते, अच्छा भी नहीं लगता हम लोगों को उड़ाना। बस छत पे से ना पतंग जब आप उड़ाते हो ना, छत पे से गिरने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो बस ये देखो मैंने बरामदा सारा खाली कर लिया लिपाई करने के लिए, मैंने कहा फटाक से लिपाई भी कर देंगे। तो बस ये देखो मैं रूम में भी से झाड़ू लगा ले रही हूँ और कूड़ा जल्दी से भर के फेंक देंगे, फिर करते हैं लिपाई। तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बस आज का ब्लॉग मैंने ज़्यादा लंबा नहीं बनाया, मैंने कहा ब्लॉग थोड़ा छोटा ही रखते हैं, आप सभी फुल वॉच भी नहीं करते, तो इसी उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा। अगर आप सभी को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और शेयर कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।